तो इसमें यार बात करने वाले एक नई मूवी के बारे में जो जिसको यार फाइनली थिएटर में रिलीज कर दिया गया है, जिसका नाम होने वाला है गांधागुड़ी। और इसी मूवी का करेंगे रिव्यू, पर हाँ इस इंट्रो के बाद। तो पहली बात यार देखो, ये मूवी नहीं है, एक डॉक्यूमेंट्री ड्रामा है जिसको यार कर्नाटक के जंगल्स के बीच में रखा गया है। और डॉक्टर पुनीत राजकुमार उसके बारे में बताते हैं कि हम कैसे बचा सकते हैं, और मतलब वहाँ की खूबसूरती को दिखाते हैं, जल को कैसे यार प्लास्टिक से बचा सकते हैं, प्लस बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब आपको पूरी तरीके से देखना है तो आपको मूवी को देखना पड़ेगा और उसके लिए थिएटर तक जाना पड़ेगा। पर हाँ, जाने से पहले 2 मिनट यार पहले वीडियो में रुक जाओ, पहले सुन लो कितना अच्छा देखने को मिलेगा, कितना बुरा देखने को मिलेगा। और ऐसा ट्राई यार इंडिया में फर्स्ट टाइम हुआ मेरे हिसाब से, तो क्या उसको ये लोग कितना अच्छा बना पाए, इन सब बातों के बारे में भी। तो देखो, अगर पहले बात कर ले इसके जिस तरीके से रखा जाता है स्टोरी को, उसको बोला जाए, वैसे कहानी नहीं है, एक रियल डॉक्यूमेंट्री है, कोई मतलब फिक्शनल चीज़ें नहीं है। तो जो आप देखने जाओगे उसमें जो चीज़ें देखने को मिलती हैं वो अच्छी हैं। पहली बात, पुनीत डॉक्टर पुनीत राज सर को देखोगे स्क्रीन पे, बड़े स्क्रीन पे, तो वो अलग ही मजा आएगा। और उनके लिए, सिर्फ उनके लिए जा के देख सकते हो इस पूरे मूवी को, क्योंकि उनके एक ड्रीम प्रोजेक्ट था और उसको उन्होंने जिस तरीके से बनाया है, मतलब मजा आएगा देख के। चाहे पूरा BGM हो इसका, या जिस तरीके से जो सीन्स देखने को मिलते हैं, जिस तरीके से उनको शूट किया गया है, मतलब बड़े लेवल पे जाके, वो चीज़ आपको लाजवाब लगने वाली है, मतलब बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। और इस मूवी में जो दोनों एक्टर देखने को मिलते हैं, जिस तरीके से इंट्रोड्यूस कराते हैं बहुत सारी चीज़ों को, कर्नाटका के जंगलों की खूबसूरती को, उनके बीच में जिस तरीके से उनको रखा जाता है, उनको बचाने के लिए जो प्रयास करे जाते हैं उसमें, और बोला जाता है कि हाँ ऐसे ऐसे कर सकते हैं, उस चीज़ को भी यार बहुत अच्छे तरीके से रखा गया है पूरे स्क्रीन प्ले में। स्क्रीन प्ले का जो पूरा BGM था वो वाइल्ड टाइप था, बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, लगभग यार बहुत ज़्यादा BGM सच में यार बहुत ज़्यादा अच्छा है और बहुत ज़्यादा प्यारा लगने वाला है। उसके बाद काफ़ी सारे सीनों में जो सिनेमेटोग्राफी है बवाल टाइप है, लोकेशन सीन मतलब इवन क्लास के, बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। कर्नाटका के जंगल्स की खूबसूरती को बहुत अच्छे तरीके से कैप्चर किया गया है पूरे मूवी में, और उसकी आप तारीफ करोगे, गारंटी से करने वाले हो। मूवी में गायब हो जाते हो, पता नहीं चलता कब टाइम कट गया और कब मूवी खत्म हो गई, ऐसा हाल है पूरे मूवी का, जो आपको मजा आता है। मतलब एक रियल स्टोरी को, एक डॉक्यूमेंट्री को जिस तरीके से रखा गया उसमें आप खो जाओगे। और कसम से एक बड़ी स्क्रीन पर फिर से देखने को मिल रहे हैं पुनीत राज सर, अगर आप उनके फैन हो तो भाई एक बार तो देखना चाहिए। आप सिर्फ उनके वजह से जाके देख सकते हो और उनके बारे में जान सकते हो, उनके बारे में बहुत सारी चीज़ देखने को मिलती है, जानने को मिलती है, और बहुत अच्छा लगता है उनको बड़े स्क्रीन पे एक बार फिर से देखना, और लास्ट टाइम है इसलिए भी जाके एक बार देख सकते हो, इमोशनल हो जाएंगे यार फैन बहुत सारे, देख लेना। खासतौर पर इसकी जो सिनेमेटोग्राफी है बहुत ज़्यादा अच्छी है, लगभग यार बहुत ज़्यादा अच्छी है, कैमरामैन की तारीफ बनती है, प्रोडक्शन वैल्यू वाइज भी यार बहुत अच्छा काम किया गया है, लगभग यार बहुत अच्छा। और जिस तरीके से खूबसूरती को दिखाया गया ना जंगल की, अच्छे तरीके से, उसकी तारीफ में जो बोलोगे वो कम है, और जो नया ट्राई किया गया है इंडियन सिनेमा की तरफ से वो आपको पसंद आएगा। तो अगर आपको इसको देखना है तो एक बार जाओ देखो, आपको इंग्लिश सबटाइटल के साथ में देखने को मिल जाएगी आपके आसपास में, और जाके देख के एंजॉय कर सकते हो, कुछ नया है, आपको मजा आएगा। हाँ भाई, कुछ एक्शन कॉमेडी ऐसा सोच के मत जाना, एक डॉक्यूमेंट्री है तो आपको उसी तरीके से ट्रीट मिलेगा इसमें, और वही चीज़ देखने को मिलेंगी। तो अगर आपको कुछ नया देखना है इंडियन सिनेमा की तरफ से, तो एक बार जाओ देखो इसको, एंजॉय करो। बाकी मिलते हैं वीडियो साथ में, अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, मुझे पसंद है, मुझे मजा आया देख के।